गाइस वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल एम्पायर स्टूडियो और आज हम करेंगे ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज। तो आफ्टर दिस बैड लाफ अब हम लोग करेंगे ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज क्योंकि आज संडे था और सोचा कि थोड़ा फंडे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो लेट्स गो एंड बिगिन। और आज हमारे साथ हैं, हमारे साथ कौन होने वाले हैं? गेनी गेसेस सेलिब्रिटी तो आएगा नहीं भाई। फिर से बैड जोक के बाद आज हमारे साथ हैं हमारे BDS के कैमरा मैन मुन्ना सोरेन। किधर गए? अरे आओ भाई। तो आज हमारे साथ मुन्ना सोरेन जो कि हमारे कैमरा मैन है, जो कि हमारे BDS बड़ी बेकार BDS शूट करी है इन्होंने। मतलब हम लोग दोनों करेंगे और रिएक्ट करेंगे रील्स पे, कोशिश करेंगे नहीं हंसने का। जिसमें एंजॉय कीजिए वीडियो को, चैन से हगने भी नहीं देते भाई। बताओ यार क्या ही बोल सकते, चैन से अगने भी नहीं देते लोगों को। मतलब रेलरों की अलग ही दुनिया चल रही है भाई, इनको अलग ही हंसी आ रही है। अरे भाई आग हुआ जाके क्या ही बोल सकते हैं। अरे बताओ यार क्या ही बोल सकते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अबे देख लिया कर को। और भाई भी मस्त टॉयलेट में बैठा हुआ है आराम से। भाई ऐसा लग रहा है जैसे अच्छा आया है, अच्छा मिरर में देखेगा, अच्छा चल जाएगा। मैं आराम से बाथरूम का खुला छोड़ा। अरे भाई बाथरूम खुला छोड़ते हैं, ठीक है खुला छोड़ा भाई देख आराम। ऐसा लग रहा। अरे भाई ये वाला बहुत सही था भाई, बहुत सही था, ये बहुत सही था भाई। इंटरनेट पे जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इंटरनेट पे जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? फुल एचडी में। अरे ये प्रूफ है, समझ रहे हो? प्रूफ है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये प्रूफ है। नो मान ले तेरे पास 10 लाख रुपए आ जाए तो क्या करेगा? अरे भाई तू लोगों को छोड़ के निकल लेंगे कहना। बात सही है। अच्छा भाई तो डेटॉल का साबुन दो ना। अरे पानी पूरी का डेला है या दही पूरी मिलता है, रगड़ा पूरी मिलता है, पानी पूरी मिलता है, साबुन नहीं मिलता। तो आप इस पानी पूरी के पानी में हाथ धो रहे थे वो? तो डेटॉल का साबुन मांग रहे थे, सही था, उतना ज्यादा भी फनी नहीं था। ठीक बात तो सही है। बात तो गलत है। बोल क्या भैया तू चिप्स दे देना। अरे एक दे दो, मैं नहीं खाऊंगा यार। अब घर के लिए ले लूं, तेरे लिए ले भी नहीं रहा। टूटा हुआ दे देना भैया। सांस हूं मैं फुट से। मौसम सही हो गया? हां सही हो रहा है। पी यार तू पी ले, मैं नहीं पी रहा। देखो दे मेरा पैसे को दे दो। टूटा हुआ सांस हूं मैं फुट से। अरे भाई बता क्यों यार तुम क्यों पीने को नहीं दे रहा पानी भर के लिया? टूटा हुआ सांस हूं मैं फुट से। ये आमतौर पे हर किसी के साथ ये ऑकवर्ड मूवमेंट होता है, बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड मूवमेंट होता है। बढ़िया था। आप लेट जाओ ना, आप एक काम करो यहाँ पे बिस्तर लगा देते, लेट जाओ उसी पे। नहीं यार मैं नींद में था, तुमने उठाया। नींद में था। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। भाई जब से कोटा सा है ना एटीट्यूड देख बोल ही नहीं रहा। देख रहा भाई जब से कोटा सा है ना एटीट्यूड देख। जस्ट कोटा थिंग गाइस, जस्ट कोटा थिंग।
समझ सकते हैं कोटा का क्या स्थिति है। कोटा सॉन्ग है वो रिलेट करेंगे इस चीज से। सही था, बहुत अच्छा था। आप भी कोटा मत जाना कभी। नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा। आप कैसे जाओगे, आप तो बेरोजगार हो। तू नहीं पिएगा क्या? कर दिया ना जाहिल वाली पर। माना कि जमाना बदल गया है, पर इतना नहीं कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। जो सालों से रिवाज चलते आया है हमारे परिवार का, तू क्या चाहता है कि मैं उसे एक पल में चकनाचूर कर दूं सिगरेट पीकर? भैया एक बंडल बीड़ी दो। तो मतलब उसके घर में सालों से रिवाज था बीड़ी पीने का। जाहिर सी बात है, बीड़ी पीने का रिवाज है तो क्यों सिगरेट पिए? आपकी भी सकल बीड़ी पीने वाली जैसी है। गांजा पीते हो क्या? नहीं, सस्ता नशा मैं नहीं करता हूँ भाई। ईशा सस्ता नशा नहीं, मैं महंगा नशा करता हूँ। हाँ डायरेक्ट खैनी खाते ही। पापा मेरे से क्यों गुस्से में रहते हो? तू नौकरी नहीं करता। अरे तो नौकरी इसलिए नहीं करता कि आपकी जिंदगी लंबी चले। हैं? वो कैसे? मेरे को ना एक अंकल ने ऐसी बात कही थी ना, मेरा दिल छू गई। को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिक टचिंग। हंस गया भाई, हंस गया। अब तुमको डेयर करना पड़ेगा। आपका दोस्त तो कुत्ता है। वो क्या कहे, आप इंसान हो ना, आप शांत हो। मेरा दोस्त कुत्ता है, मैं तो अंकल ने मुझको कहा जब तक बड़े बुजुर्गों के हाथ पांव चलते रहते ना, तब तक उनको कोई बीमारी नहीं पकड़ती। और कल को अगर मैं नौकरी लग गया, आप तो बैठ जाओगे घर पे कि चलो भाई लड़का कमा रहा है, फिर आपको धीरे धीरे बीमारियां पकड़ेंगी, है ना? और मेरी वजह से मेरी बाप को बीमारी हो, ये तो गवारा नहीं। पापा मुझे तो रोज खर्चा करवाता है। पापा सिर्फ 200 रुपए, उसकी भी बोतल लेके आता हूँ, चुपचाप कमरे में बैठ के पीता हूँ। और उनके बच्चे ना अपने बाप से 1000-1000 रुपए मांग के पूरी रात घर नहीं आते। पता है कहाँ जाते हैं बर्गर खाने? KFC जाते हैं। तू इस वक्त भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, अभी भी ना मैं UPSC के लिए YouTube से पढ़ रहा हूँ। अच्छा सुनाइयो जरा। हेलो सुन लो। नानी अमेरिका नोबडी। पापा मेरे हाथ से खून हो गया। तो भाई ड्रंक इंडियन एक्सप्लेनिंग डैड क्या ही बोल सकते हैं। हमारी कहानी कह गया भाई, चलो हम बेरोजगारों की कहानी। देखो हम दोनों बेरोजगारों को देखो जैसे। ये तो मेरे से भी पहले से बेरोजगार पहले ऐसा है, तुम ठीक ना? What? Bro, what are you talking about, man? तो भाई इसी के साथ होता है हमारा सेगमेंट का एंड। और काफी फनी रील्स थे बीच में, काफी बोरिंग रील्स भी आए, मतलब जिसमें तो एक जरा हंसी नहीं आई भाई। इसी के साथ करते हैं एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताओ कैसा लगा हमारा ये सेगमेंट। आगे अगर और भी चाहिए तो फिर और भी वीडियोस बनेंगे। तो चलो इधर बात करते हैं एंड। इस बारी थे इनके साथ, नेक्स्ट बारी अर्जुन कपूर भाई को लेके आएंगे, ठीक है? और बहुत अच्छे से करेंगे। और ये भगवान जाने इनको लगता है अभी तक रील्स का बुखार चढ़ी रहा है। तो चलो भाई इधर बात करते हैं। रील्स था हंसी वाले कर रहे हैं। हाँ बहुत से रील्स था। तो चलो एंड किया जाए। चलो बाय 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 बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एलबीज बाय। बुरा हो गया, ये कट हो जाएगा। चलो। तो भाई घुसाइए भाई। तो सस्ता सा स्टूडियो में एडजस्ट करते हुए एडजस्टमेंट। अरे एलबीज भाई कैसे कर रहे हो भाई? तो दर्शकों इस नए सेगमेंट में आप लोग का स्वागत है। वाह।